ये देखो मैं पता नहीं कहाँ गया हूँ मैं। ओ अरे पगलू, तू यहाँ पे मरेगी। मेरे को पक्का लग रहा है कि ये इसका यहीं पे होने वाला है भाई काम धंधा ऊपर, जो कि गेट सदियों से नहीं खुला था मदरसा। ओ अबे पागल सी, तू ऐसे क्यों उठ जाती है यार? ये मेरे को डर लगाती है भाई, बहुत बुरा वाला। छुट यार, बिल्कुल यार ऊपर आ गई। वो ये उठ ना जाए। ओ अबे अबे तेरी यार। ओ भाई, तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस देख लेते हैं आज वाली वीडियो में मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ रेसिडेंट इविल 8। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, और लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा भाई, लेडी से हमारा पाला पड़ गया था और लेडी ने हमारा हाथ काट दिया था, और फिर उसने आराम से चुपका लिया। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, पट्टी की कोई जरूरत नहीं, बस आराम से ऐसे हाथ चुपका सकते हैं। तो आगे से मेरे को भी ऐसे चुपकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर मेरा वैसे कभी ज़िंदगी में कटेगा तो, वैसे मैं तो चाहूँगा कि कभी मेरी ज़िंदगी में ना कटे। और हम लोग ओपेरा हॉल में हैं, तो ओपेरा हॉल में हैं तो हमारा एक दोस्त आगे इंतजार कर रहा है। देखो बोरा वो खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर मेरे को कुछ मिल जाए तो। ये कॉपी किताब से क्यों मिलती हैं? एग्ज़ामिन करने को कह रहा है, इसमें कुछ होगा? कुछ भी नहीं है, फालतू में एग्ज़ामिन करने को कहा इसने। चलो आ जा बेटा। हाँ भाई लाइन में लग आओ। ओए पीछे देख ले, पीछे दो। ओ बेचारे की तलवार चोट गई। अरे भाई कितना बुरा मार रहा हूँ मैं इसे बेचारे को, मेरे को इस पर तरस आ रहा है। अरे यार ये लास्ट गोली पे लैग क्यों कर रहा है भाई? इस लैग का मैं कुछ नहीं कर सकता गाइस, पता नहीं यार। मैं सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पूरी फुल जितनी मैं लो कर सकता था, मैं सारी चीज़ें लो करी हैं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर पीछे भी देख के आता हूँ, मेरा पीछे यहाँ पर कुछ काम की चीज़ मिल जाएगी इस जगह पर। यहाँ पर एक और दाना है, कोई कोई तो है यहाँ पर। ये देखो दो तीन चार, ये देखो एंड में मरते वाली गोली पे लैग करता है यार। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस। यार देखो प्लीज़ आप लोग आदत डाल लेना, क्योंकि अभी मेरे पास जैसा है यहाँ पर फ्लावर्स और बॉल। ये क्या चीज़ है? ये क्या हो रहा है? अच्छा ये गायब हो रहा है, मैं सोचा था कि पीछे से कोई आ रहा है क्या। वो ये स्टैचू उठा ले, नहीं उठा पा रहा। चलो यहाँ पर इतना ही था ना, चलो इसे तोड़ के चलते हैं भाई साहब। इनका पूरा हॉल हम ख़राब कर देंगे, इनका कैसल, अपने कैसल में भी ढंग से जी ना पाएँ। तो चलो गाइस देखते हैं भाई, नीचे चलते हैं यहाँ से। अब नीचे देख के कुछ पता चलेगा। गोली रिलोडेड है, ठीक है भाई। यहाँ पर ही बंदे जरूर होंगे आई थिंक। तो भाई देखो मैं नीचे तो आ गया हूँ, यहाँ पर अभी मेरे को कुछ मिल नहीं रहा। यहाँ पर मतलब अभी मेरे को कोई खतरा तो नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ कोई खतरा है। यहाँ पर एकदम सब सही चल रहा है। यहाँ पर ले लो रस्टेड स्क्रैप। यहाँ पर पियानो के साथ कुछ कर सकता हूँ क्या? एग्जामिन देखो यहाँ पर पियानो। अरे बजाना नहीं है भाई मेरे को, नहीं बजाना नहीं है सॉरी। ये वाला गेट शायद खुल नहीं रहा ना। हाँ ये वाला गेट नहीं खुल रहा ना। इस वाली की से मास्क ऑफ फॉरो फ्लावर ऑफ। वो भाई क्या क्या मिल गया है मेरे को, ये नहीं खुल रहा है वाला। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से चलते हैं। ओके गाइस, तो देख लेते हैं यहाँ पे मेरे को अब नहीं लग रहा। ओ कोई राक्षस हो यहाँ पे भाई, ये देखो बोरा राक्षस। अब मेरे को सर इधर ही जाना, तो इसी वजह से इधर ही आ रहा है ये राक्षस। चलो मर गया मर गया। ओ इस बार लैग नहीं करा लास्ट वाली गोली पे, बहुत सही। अब मेरे को ये वाला गेट खुल जाएगा क्या? ये वाला गेट तो नहीं खुल सकता भाई ऐसे। मेरे को शायद दोबारा से वापस जाना पड़ेगा डाइनिंग रूम वगैरह अपना, क्योंकि मेरे पास जो चाबी है ना डोमेस्ट, जो भी लेडी है उसकी चाबी है, तो उससे मैं गेट वेट खोल सकता हूँ वहाँ पे। तो इस वजह से मेरे को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो चलो गाइस चलते हैं दोबारा से वापस। ओह कोई तो है। ओ भाई ये कहाँ से गिर जाते हैं अचानक से, आसमान से टपकते हो गया सीधा सीधा। चल मर गया मर गया। अबे एक और है। ओ दो दो हैं क्या? ना एक ही है। दो तीन चार चार, गिर जा। क्रिस्टल स्कल दे जा मुझे। चलो भाई इस मोटे, इस क्रिस्टल स्कल वगैरह को सब मोटे पे जाके बेचूंगा, फ़ायदा हो जाएगा मेरा। ओके तो यहाँ पे आ गया हूँ मैं। अभी ये क्या आवाज़ कैसे आ रही है? एक और जिंदा है क्या कोई? एक मिनट हटो भाई, मुझे देख के आना है, मुझे संभाल के आना है भाई, जिंदा नहीं छोड़ना कोई भी। हाँ है, हाँ भाई ज़रा तो। ओ दो दो हैं यार ये तो, यहाँ कैसे रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? इन्हें मार के इनसे पैसे ले लेता हूँ मैं चार। चलो आ जा तू भी आ जा भाई, एक दो तीन चार। चलो इनसे पैसे वैसे लेना जरूरी है। देखो क्रिस्टल स्कल ये 500 में बिकती है भाई, बहुत सही है। मैं लेना, ओह यहाँ पे हर्ब है ले लो। ये हर्ब वगैरह ऐसी चीज़ें मैं छोड़ो, यहाँ पे नहीं है। चलो बढ़िया। तो चलो भाई इस कैसल के अंदर मैं दोबारा जा रहा हूँ। अब देखते हैं मैं इस चाबी का और क्या क्या यूज कर सकता हूँ। जो मेरे पास लेडी की चाबी है ना, मुझे लग रहा है कि उसका कहीं और भी यूज हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पर एक ऊपर गेट था, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक ऊपर गेट है तो उसमें लग जाएगी आराम से। बट वो अबे अबे ये यहीं पे घूम रही है। अबे यार तू धप्पा धप्पा खेलना कब बंद करेगी मेरे भाई? ओ भाई निकल निकल निकल। अरे मेरा हाथ कटा है दीदी आपकी आप। अरे अरे रुक जा भैया रुक जा एक मिनट। अरे भाई निकल लो भाई, चिपक जाती है ना तो बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम लेगी लेगी तो फील होने लगता है मुझे, चिपक जाती है ना एकदम यार। ये यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि ये मक्खियाँ होती अपनी मुझे ऐसी दौड़ाती रहेगी। अरे भाई जा यहाँ से यार, अपना काम देख, मुझे अपना काम देखने दे। हटो हटो हटो। इसके अंदर ये वाला गेट, इसके अंदर ये गेट था शायद, वो खुल जाए मेरे हिसाब से। ये देखो ये वाला गेट, इसी को तो मैं कह रहा था कि ये वाला गेट खुल सकता है। खुल जाइए प्लीज़। वो खुल गया, वाह वाह वाह, मैं यही तो चाह रहा था कि ये वाला गेट खुल सकता है।
यू अनलॉक्ड इट। ये देखो यहाँ पे, ओह ये देखो प्लेजर का मास्क मिल गया मेरे को। ठीक है तो अभी भाई क्या चाहिए यहाँ पे, इधर तोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे कह देखो मेरे, ओह यहाँ पे देखो आर्मरी भी है। आर्मरी में नहीं जा सकता क्या मैं? आर्मरी में मेरे को जाना है वैसे, शायद वेपन वगैरह मिल जाए आर्मरी में कुछ। तो यहाँ पे गेट कौन, ओह ये देखो ये रही। ओ भाई साहब आर्मरी में आ गया मैं, ले लो भाई ये क्या चीज़ है आर्मरी में। या फोटो फ्रेम्स वगैरह में देखना पड़ेगा मेरे को। पता है देखो तीन चीज़ें मिल चुकी हैं शायद उन पुतलों में लगाने के लिए जो स्टैचू से बाहर निकले थे। ये देखो ये तीन, और चौथी चीज़ और चाहिए मेरे को। सो मेरा यहाँ से कैसल से एस्केप हो जाएगा। अब चौथी चीज़ कहाँ मिलेगी वो मेरे को देखना पड़ेगा। इसे तोड़ो, यहाँ पर मेरे को हैंड गन है वो मेरे पास बहुत सारे हैं। पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को कम है। ये देखो मैं पता नहीं कहाँ गया हूँ मैं। ओ अरे पगलू तू यहाँ पे मरेगी, मेरे को पक्का लग रहा है कि ये इसका यहीं पे होने वाला है भाई काम धंधा ऊपर। हाँ आ जा तू, कहाँ आ जा। अरे यार भाई मैं से चुपका मत करे प्लीज़, बहुत ज़्यादा लैग होने लगता है यार ये चिपक जाती है तो। ओ भाई काट लिया इसने काट लिया। देख अभी बेटा तू मरेगी तब तुझसे मैं भी पूछूंगा। अभी से हम मारेंगे ना जब, इससे मैं भी पूछूंगा। होल्ड, चलो भाई देख लेते हैं इससे क्या होगा। होल्ड से कोई दरवाज़ा खुला क्या? एग्जामिन, कोल्ड एयर इज कमिंग। ओ क्रैक, कोल्ड एयर क्या मतलब? कोल्ड ब्रेक इट विद अ पावरफुल अटैक। ओके पावरफुल अटैक। वो कहाँ है? एक मिनट वो कहाँ है? पाइप बॉम्ब, इसी से काम बनेगा भाई। इक्विप, फट जा। ओ भाई फाट दिया, ये हुई ना भाई वाली बात। रूइंड द हंट, ओ हो मैं हंट हंटू तेरे लिए। ये ले अब तेरे सिरी सिर में दूंगा हंट। ये ले अब लेडी भाई साहब दूसरा हाथ भी काट देगी मेरा। ये ले वो देखो भाई कैसा मुंह कर रही है। आ जा बेटा आ जा दूर। ओ भाई ओए, ये देखो आप रुक गया, भाग गया यहाँ से। मज़ा आ गया भाई इसे मार के। ये देखो क्रिस्टल मिल गया मेरे को, बहुत मज़ा आया इसे मार के। हाँ अब मैंने यार भूल गया, मैं ऐसे पूछ नहीं पाया तुझे कैसा लगा। पूछ रहे थे ना हाउ यू फील काटने के बाद, अब मरने के बाद कैसा फील हो रहा है यहाँ पर कुछ। ओ ये देखो क्या है, ओ भाई साहब कुछ भी मिलना है मतलब यहाँ पर है। बहुत सही, यहाँ पर कोई गेट खुला है, यहाँ पर कुछ चीज़ खुली है शायद मेरे को ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं खुला, चलो यहाँ से चलते हैं भाई। यहाँ से कूद जाऊँगा क्या? नहीं कूद पाऊँगा, तो यहाँ से मेरे को वापस ही जाना पड़ेगा मेरे को ऐसे ही लग रहा है। ये बहुत सही कर दिया आर्मरी में, उसका काम ही तमाम कर दिया हमने। दो गई अब एक बची है, वो भी मरेगी कहीं ना कहीं, देख लेते हैं मज़ा आएगा भाई। वही लग रहा है कि लेडी को, ओ भाई एक मिनट पहले मेरे को वेपन्स बनाने दो यार, खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना मेरे को, इसमें वेपन्स बनाते चलना है। 30 बन गए, 45 बन गए, 60 बन गए, क्या कह रहा है? इन्वेंट्री फुल, कैन नॉट कार्ड। ओ भाई साहब मेरे पास आइटम बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वेंट्री मेरी फुल है बताओ। इतने सारे आइटम हो गए मेरे पास, ये इन्वेंट्री फुल हो गई है तो इन्वेंट्री को मैं खाली कैसे कर सकता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ कितना सारा आइटम हो गया मेरे पास। ओ ये वाला गेट बंद कैसे हो गया? यहाँ से तो मैं आया था ना, तो ये वाला गेट तो बंद कैसे हो गया भाई? इसको मैं कैसे खोलूँगा? अब मैं यहाँ से जाऊँगा कैसे फिर? व्हाट हैपेंड हियर यार, ये क्या हो गया? तो गाइस देख लेते हैं, पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। एक मिनट यहाँ पे मैं यहाँ पे मेरे को ये मिला था क्या? मास्क ऑफ सॉरो रख दिया मैंने, ठीक है ओके। तो ये गेट ऐसे खुलता है तो इसे मैं उठा लूँ क्या? फिर यहाँ से जल्दी से भाग लूँगा निकल के। अबे अबे नहीं ऐसे नहीं होगा, उसको रखना ही पड़ेगा, मेरे को लग रहा है कि उसे रखना ही पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे काम नहीं बनेगा। चलो भाई चलते हैं यहाँ से, ये गेट खुल गया मेरा। वही मैं एकदम सोचना पड़ेगा कि भाई ये मेरा गेट कैसे बंद कर दिया इन लोगों ने, कैसे जाऊँगा मैं? अब देखते हैं भाई क्या हो। ओ गोली मार दूँ मैं गोली। ओ भाई साहब उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अबे तेरी, निकल ले भाई, मैंने गड़बड़ी कर दी क्या? चलो भाई गेट बंद कर दिया मैंने, अब नहीं आ पाएगी ये भाई, उसे जाने दो, मैंने गड़बड़ी कर दी शायद, उसके पीछे से जाना था मेरे को। ओ नहीं, ओ भाई मुझे ढूंढ रही है वो, उसे दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पाऊँ। सच्ची मैं उसे दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पाऊँ। गई क्या? ओ नहीं इधर ही है, एक बार गोली मारूँ उसमें। ओ भाई इसे कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो यार मैं इसे जाने दो उधम भाई मत करो इससे, यहाँ पे पैरों की आवाज़ आ रही है। अबे आ गई, अबे यार ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अबे यार ये पगली सी मुँह की, जाना यार यहाँ से,
मेरे को पता है कैसे को यहाँ से हॉल ऑफ प्लेजर में जाके मेरे को यहाँ से सीधा जाके इधर जाना है, हॉल ऑफ जॉय में, ठीक है। पर ये बीच में आ गई है, इससे मेरे को यार बच के भागना पड़ेगा या फिर देखते हैं क्या होगा इससे, क्योंकि यहाँ तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, यहाँ पर कोई दरवाज़ा था, ये देखो ये रहा दरवाज़ा, यहाँ पर कोई ऐसी सीक्रेट जगह है क्या यहाँ से मैं बच के भागूँ? ओके ये वाली जगह है, ये कौन सी जगह है? ओ ये तो नीचे वाली जगह है यार, जेल वाली जगह है, यहाँ से मैं कहाँ निकलूँगा? मुझे लग रहा है कि कहते को मेरे को यहीं से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लेडी पीछे पड़ी हुई है बहुत बुरी तरीके से और वो जा भी नहीं रही। देखो देखो फुट स्टेप्स आ रहे हैं ना, तो मेरे को लग रहा है यहीं से चलते हैं भाई अपन। तुम गाइस देख लेते हैं, मेरे को लग रहा है कि ओ अबे ये कहाँ से आ गए तुम? ये देखो ये देखो ये देखो चल पड़ गया। ओ अब लैग नहीं कर रहा भाई, अब लैग नहीं कर रहा, चौथी गोली पर अब लैग नहीं कर रहा, मज़ा आ गया। चलो चलो ये दोनों गए। देखो गाइस ये वाला गेट अब फाइनली खुल जाएगा ये वाली चाबी से। डोंट फिट वो भाई, ये तो इसने उम्मीद ही तोड़ दी मेरी सारी। चलो ठीक है, तो नहीं लग रही इसके अंदर वैसे है क्या पता नहीं। यहाँ पे एक और राक्षस है, अभी आवाज़ आ रही है उसकी मुझे, ये रहा, दो तीन चार। चल भाई अब रिलोड करूँगा आराम से। ओए मैं वही लग रहा कि मैं सही जगह सही सोचा था मैंने कि अगर वो लेडी वहाँ से रास्ता नहीं छोड़ रही तो हमें यहीं से जाना पड़ेगा, तभी ये दानव से आ रहे हैं, वरना ये दानव आते ही नहीं भाई, ये सीधी बात है। तो यहाँ से मेरे को नीचे जाना पड़ेगा जल्दी से भाग के, क्योंकि वो ऊपर घूम रही होगी पक्का शायद। ओ अबे यार ये नहीं, अबे यार ये पीछे पड़ी है बहुत बुरी तरीके से यार, इसका मैं क्या करूँ? जल्दी निकल, अबे मैं मर जाऊँगा। अरे यहाँ से भाग सकता हूँ क्या मैं? भाग सकता हूँ, ये मेरा कुछ नहीं कर सकती, पागल है वो तो। चलो यहाँ से जल्दी निकल लो। फाइंड द फोर एंजल मास्क, वो इधर लग गया, ये गया अंदर। तो यहाँ पे मेरे को तीन चीज़ें ढूंढ के लानी है भाई अभी तो। अरे मैडम यार तुम यार अभी तक आओ भाई, कितनी धीमी रेस है इसकी भाई। मोटू मुझे बचा ले यार, मोटू तू मुझे बचा ले। तो कहते देखो मैं ओपन हॉल में आ गया हूँ, यहाँ पे लॉक पिक से मैं इसे खोल के देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक लॉक पिक है तो शायद ये काम कर जानी चाहिए। और इसमें क्या मिलेगा मेरे को ये नहीं पता, देखते हैं भाई क्या मिलने वाला है इसमें। कुछ अच्छी सी काम की चीज़, स्नाइपर राइफल है वो। ओ भाई स्नाइपर राइफल तो मेरे पास हैवी नहीं है अभी, इसके एमओ का क्या करूँगा, बेच दूंगा मैं। चलो तो गाइस ओपन हाउस में मैंने मोस्टली सारी चीज़ें सर्च कर ली हैं, बट गाइस इसमें देखो ये पियानो है ना, यही मैंने लास्ट टाइम छोड़ दिया था, तो मैं सोचा कि इस पियानो को भी देख लेते हैं बजा के, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने छोड़ दिया था कि बजाना नहीं है भाई। तो अभी देखते हैं भाई इसे बजाने से कुछ होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर ए डी चूज की, एक मिनट ये क्या ए, ओ इससे ऐसे बजा सकते हैं, तो इसे बजाएंगे कैसे? एक मिनट से एफ, फिर क्या हुआ 6 8, ये नंबर से कैसे लगा है मेरे को नहीं पता, कैसे बजाएंगे इसे? ये मैं बजा रहा हूँ बस, मेरे को ऐसे करके ये ले ये ले। अच्छा यहाँ से वो हो, एक मिनट अगर मैं उधर की तरफ जा, एक मिनट ऊपर ले जाना भाई, ठीक है हो गया ऊपर आ गई है। ये सारे मेरे को कवर करने हैं, मेरे को समझ में आ गई ना, अभी अभी कवर करता हूँ मैं, ठीक है ये भी कवर हो गया। ओ ये तो पहले से कवर है, वाह। एक मिनट से नीचे लेके आना है मुझे, आ गया ये भी, अब इसे ऊपर लेके जाना है, आ गया। ओह बस ये करना था इसमें, कुछ नहीं करना, अपने आप बज रहा है, ठीक है अपने आप बज रहा है। ओके इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये अपने आप बजा पता नहीं करके, ये बंद हुआ। और ये क्या मिल रहा है भाई? चाबी, अरे इंसिग्निया की। गाइस चाबी की मेरे को यार कब से तलाश थी, इंसिग्निया की से मेरा सारा काम रुका पड़ा था मेरा। और गाइस यार आप यकीन नहीं करोगे, यार पियानो मैंने छोड़ दिया पहले, बल्कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, तभी मेरे को बजा के देख लेना चाहिए था, क्योंकि मेरे को तभी चाबी मिल जाती। इस चाबी की वजह से मैं पता है दो चक्कर लगा के आ गया इस पूरे कैसल के, भाई चाबी कहाँ मिलेगी, चाबी कहाँ मिलेगी। तो नाउ फाइनली गाइस हमें चाबी मिल चुकी है, तो अभी भाई साहब अब ये वाला गेट खोलने जा रहा हूँ मैं, जो कि गेट सदियों से नहीं खुला था, मतलब सदियों। अबे पागल सी तू ऐसे क्यों घुस जाती है यार, ये मेरे को डर लगाती है भाई, बहुत बुरा वाला छुट्टी और बिल्कुल यार ऊपर आ गई। ओ हो भाई, अरे भाई यार, अरे तेरी की इतना बुरा डर, ये मेरे पीछे आ रही है क्या? ओ मैडम आ जाओ कहाँ आ रही है, इधर ही आ रही होगी, आ जा यार इधर ही आ जाना प्लीज़, आ रही है। ओ भाई यार इसने क्या मतलब, ओह अभी रुको, इस वाले गेट को तो मैं खोल के रहूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस वाले गेट को मैंने सदियों से नहीं खोला भाई, इतना समय लगा दिया इस वाले गेट के लिए। ये भाई चाबी, इसकी चाबी है वो वाली जो अभी मिली है मुझे, खुल गया। ओ भाई फाइनली, अब देखते हैं भाई यहाँ क्या हुआ। खुल जल्दी खुल, यू अनलॉक्ड इट, यो कौन आने वाला है? ओ अच्छा ये इसका रूम है क्या? ओ रुको प्लीज़ दूर रहा। एक मिनट ये चुपकने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि चुपकने से लैग होता है हल्का था। दूर। ओ भाई एक मिनट, ये खंभे पे क्या आ रहा है? ये क्या है भाई, क्या ये एग्जामिन? ओह
अबे ये क्या टेरेस खोल दी मैंने, अब तो इसका कुछ और नहीं सकता। ये भी गई, ये भी गई, बहुत ईजी बहुत ईजी बहुत ईजी बहुत ईजी। ओ भाई अभी मार रही है मेरे को, ये अभी भी मार रही। ओ ओ एक मिनट, ओ भाई एक मिनट, चल 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 चल, ड्रीम है यहाँ, ड्रीम है तेरे लिए, ड्रीम है। चल चल चल, मर गई, मर 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 जल्दी। ओ भाई आई डोंट वांट टू डाई, गलत काम करोगे और मरना भी नहीं चाहोगे, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो गाइस ये अपनी तीसरी डॉटर थी उसकी, जो भी लेडी थी उसकी तीसरी डॉटर थी वाली, फाइनली ये भी मर गई। हमें ये क्रिस्टल मिल गया, तो ये वाला क्रिस्टल वो मोटा है ना, बहुत रुपये में लेता है, तो इसे भाई संभाल के रखना है। तो इसको मारते मारते भाई सारी ब्लड्स मेरी वेस्ट हो गई यहाँ पे, तो मेरे पास शायद मेरे को मोटे से ब्लड्स खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरे पास शायद बनाने का आइटम तो होगा नहीं ना भाई, रेस्टेड स्क्रैप वगैरह नहीं है मेरे पास। तो गाइस देखो पता है मेरे जो वेपन्स है ना, शॉट गन और दोनों और ये पिस्तौल एकदम फुल हाई करा रखे हैं मैंने, फुल हाई, क्योंकि भाई वेपन्स वगैरह मेरे को एकदम सही चाहिए। सारी चीज़ें जितनी हो सकती थी सब मैंने अपग्रेड करा लिया, तो अब जितने भी मेरे को लीव वगैरह मिलेगा ना, तो मज़ा आ जाएगा। हैंड गन एमो ले लो भाई, ये बहुत सही है, मेरे को खरीदने नहीं पड़ेंगे। ये वाला गेट का गेट खुल गया, ये वाला, ये कहाँ पे जाए खुल रहा है, एक मिनट, पहले इस वाले गेट को बाद में खोलूँगा, पहले यहाँ पे एक और चीज़ देख लेता हूँ, यहाँ पे कोई मैं छोड़ के तो नहीं जा रहा, एक मिनट जरा तोड़ भाई से। हैंड गन एमो, वाह गुड, हैंड गन एमो की बरसात हो रही है। ये वाला गेट वही था जिससे मैं लौट के आया था, तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, शायद वो लेडी यहीं घूम रही होगी तो मेरे को मार मूर ना दे, उससे मैं बच गया भाई साहब। यार पहली बार तो उसने बात में बहुत ज़्यादा बुरा डरा दिया मुझे, यार एक साथ आ गई, मैं एकदम फुल स्पीड में जा रहा था कि भाई चलो आओ देखते हैं, उसने एंट्री कर दी। तो इसका इसमें कुछ नहीं है, तो मेरे को लग रहा है इधर ही जाना पड़ेगा। अब ये वाला रूम कौन सा खुला है, एक मिनट, हॉल ऑफ जॉय में, वो लाइब्रेरी थी ये वाली, ओके अब हॉल ऑफ जॉय में जाऊँगा मैं, यहाँ से हॉल ऑफ जॉय में जा रहा हूँ मैं, ठीक है हॉल ऑफ जॉय में देखते हैं क्या होगा। कोई नहीं, इसे तोड़ दो भाई, बस तोड़ दो है ना, जिससे कि कोई भाई उधम भूदम ना कर पाए मेरे सामने, क्योंकि इन्हें डर लगता है ना, ये हवा ववा से आ नहीं पाती है खिड़कियों के पास। तो ओके, तो ये देखो वो मास्क ऑफ जॉय से ले लो, ये वहाँ पर काम आएगा, मैंने दो फाइंड कर लिए मास्क, ठीक है दो इंजन मास्क फाइंड कर लिए मैंने। ओके ये देखो गेट भाई, क्या सिक्योरिटी है, खुल गया अपने आप, एक मिनट ये वाले इसके अंदर जाऊँ या ना जाऊँ, एक मिनट पहले यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, उसके बाद मैं एक्सप्लोर करूँगा। ये वाला गेट खोलना चाहिए मुझे पहले, ये वाला गेट खोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओके ये वाला गेट खोलना का इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि देखो मैं यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, ये वाली जगह मेरे लिए सही हो गई कि यहाँ से मैं आराम से आ सकता हूँ, शॉर्टकट हो गया, अब मैं जा सकता हूँ यहाँ पे और चीज़ देख के आ सकता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। तो अब मुझे ये देखना ये क्या चीज़ है, एक मिनट सामने कोई था क्या, कोई नहीं, तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, आर्टिलियर, जो भी है आर्टिलियर, देखते हैं यहाँ क्या होगा आर्टिलियर में। यहाँ पर कुछ ना कुछ बदमाशी तो नहीं होनी चाहिए, बदमाशी तो करोगे नहीं ना भाई तुम लोग, यहाँ पर इसके ऊपर देखने के लिए है क्या कुछ, वो छत तोड़ सकता हूँ क्या मैं, तोड़ दी मैंने, ऐसा कुछ होगा। ये देखो लेडी की, भाई साहब कितनी बड़ी फ़ोटो लगी है, शायद ये वो वाली लेडी नहीं है, या फिर ये जब लेडी जवान थी तब का है पता नहीं भाई, जब ये थोड़ी बहुत छोटी होगी, अब तो भाई बुड्ढी सी लगने लगी है, वैसे बुड्ढी तो नहीं है, अभी भी काफ़ी सही है, मेंटेन है पूरी। एक मिनट यहाँ पर भाई चाकू से, यहाँ पर तो चाकू यूज़ करना चाहिए मुझे, चाकू ही सही है यहाँ तो, एमओ वगैरह बिल्कुल वेस्ट नहीं करने चाहिए इधर। चलो यहाँ पर कुछ नहीं है, वो इस तस्वीर के पीछे कोई राज है क्या, खुल गया भाई इस तस्वीर, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सीक्रेट हैं, सीक्रेट रास्ते हैं, तो भाई तस्वीर के पीछे कोई गेट वेट हो, तो इस वजह से मेरे को लग रहा था। तो अभी यहाँ पर ओह ये देखो कछुआ, वाह यहाँ पर कौन, घंटी बजा सकते हैं, कुछ नहीं होगा घंटी से भी। तो यहाँ पर कैसे ओके ये क्या है यहाँ पर, लेट द फाइव बेल्स ऑफ दिस चैम्बर रिंग आउट, रिंग आउट फाइव बेल्स ऑफ दिस चैम्बर, तो यहाँ पर फाइव बेल्स कहाँ भाई, यहाँ तो एक ही बेल घंटी दिख रही मेरे को, ये रही ओ इसमें आग लग गई मैंने बजाई तो मेरे को ऐसी पांच बेल बजानी है, तो यहाँ तो एक है भाई, और कहाँ हो सकती हैं, एक मिनट इसके अंदर मैं कूद सकता हूँ क्या, ना कूद सकता भाई, इसके इस पर चढ़ नहीं सकता मैं किसी पर भी, एक मिनट यहाँ पर एक बेल है, मुझे लग रहा है उसमें गोली मारनी है, देखो देखो अभी आएगी, ये देखो ये देखो, वो बजा दी बजा दी बजा दी, दो ये हो गई, तो तीसरी चौथी कहाँ है भाई, यहाँ पर कोई और भी है क्या बेल, यहाँ तो मेरे को एक ही बेल दिख रही है, एक मिनट बोरी एक और बेल, बोरी 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 भाई साहब इन्हें छुपा छुपा के रखी है, ये देखो बोरी एक, तीन बेल्स ठीक है, अब चौथी बेल गाय ढूंढनी पड़ेगी, इस तस्वीर के आसपास जरूर होगी कोई ना कोई बेल, एक तस्वीर के आसपास नहीं है, तो गाइस इसमें मेरे को तस्वीर ढूंढनी पड़ेगी बेल्स भाई साहब, ये कितना मस्त है ना, मतलब एक कमरे में ढूंढो भाई, ऊपर कोई बेल, ओ ओ एक मिनट बोरी ऊपर एक, वाह 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 ऊपर मिल गई एक चौथी बेल, चौथी बेल गुड, अब फाइनल और आखिरी बेल बची है वो कहाँ होगी, बोरी 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 सामने, ओह वाह 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 पांचों बेल रिंग हो गई, अब क्या होगा यहाँ पे, जैसा कि उस जैसा ओह कोई गेट खुल रहा है यहाँ पे,
कुछ हो रहा है। ओहो, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ सीक्रेट होगा इस तस्वीर के पीछे, वैसे ही सेम टू सेम हुआ। ओके तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। ओके एक मिनट, पहले मैं लेके कहाँ जा रहा है पता नहीं भाई, अभी यहाँ पे चलता हूँ मैं, कहाँ लेके जा रहा मुझे भी नहीं पता। ओ भाई कितनी खतरनाक, ओह एक मिनट ये क्या चीज़ है, हर्ब ले लो। क्या सीक्रेट जगह है ये, इसके अंदर नहीं जा सकता क्या मैं, इस जगह पर शायद नहीं जा सकते हम लोग। चलो इसी के अंदर चलते हैं भाई, क्या सीक्रेट रास्ता है इसके अंदर मेरे को। अब वैसे डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसकी तीनों बेटियाँ मार दी हैं, तो मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है हमें। तो गाइस पता नहीं हम लोग कहाँ आ चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। एक मिनट मैप में देख लें तो, ओके पता नहीं कहाँ पहुँचते जा रहे हैं भाई। यहाँ पर मेरे को एक मास्क मिलेगा मेरे को ऐसा, ओह ये आवाज़ कर दी है, जैसे मैं सोचा था ये क्या हो रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पर मास्क वगैरह, यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है। यहाँ पे इतना मेरे को लाइट नहीं लेना चाहिए। ये क्या है, ट्रेजर मैप, खजाना ढूंढेंगे अब। आ जाओ शॉट गन के एमओ मिल गए, मेरे पास एमओ वगैरह तो ठीक ठाक है, तो मतलब वो ही उठ ना जाए। अबे तेरी यार, ओ भाई ओ यार गाइस पता ही उठा तो मैं एकदम कप गया। फेस कैम की वीडियो में करने की सोचा हूँ, जल्दी से करूँगा तो मज़ा आएगा क्योंकि फेस कैम में यार मज़ा आता है वास्तव में, ये बात तो असली है। क्योंकि वास्तव में मेरा चेहरा देखने लायक होगा इस वाले बंदे के, जब ये उठाता एक साथ जैसा मैंने कहा था कि उठेगा, सो उठ गया था वो। एक मिनट यहाँ पे गन पाउडर, ओके सारी चीज़ें मिल रही हैं। एक मिनट सही है, यहाँ पे एक और सीढ़ी है, एक और सीढ़ी है यहाँ पे। ये देखो ये क्या है, एग्जामिन, पता नहीं मैप मिला था मेरे को कोई ट्रेजर का, वो अभी देखना पड़ेगा मुझे ट्रेजर का मैप कैसे काम आएगा। ये मैं कहाँ भटक रहा हूँ, पहले मुझे ये देखना है। ओके यहाँ पे एक और गेट है, ये कहीं बाहर। एफ टू राइफल, भाई साहब देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस इन योर इन्वेंट्री। अरे यार ये इन्वेंट्री का मेरे को कुछ बताओ यार, गाइस कमेंट करो कि इन्वेंट्री को मैं कैसे खाली करूं। तो गाइस मैंने अपनी यार तीन दवाइयां और शॉर्ट गन के चार एमओ, छह स्नाइपर के एमओ फेंकने पड़े इस बंदूक को यहां पर सेट करने के लिए, तब जाके इतनी सेट हुई है। तो गाइस मैंने ले लिया भाई यहां पर स्नाइपर राइफल, अब मजा आएगा भाई स्नाइपर राइफल देख लेते हैं यहां पर। अरे एक मिनट स्नाइपर राइफल का मज़ा तो लेने दे, स्नाइपर राइफल का है मेरी, स्नाइपर राइफल का ही मज़ा लेने देगा। एक मिनट ऐसे इक्विप करनी पड़ेगी मेरे को ये। ओके तो अब देखते हैं भाई स्नैपर एप्पल का क्या है, भाई समझ आएगा अभी। एक मिनट मैं देख रहा हूँ, मैं जा कर रहा हूँ, पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ ये देखना भाई जरूरी है। तो अभी यहाँ से पता नहीं कहाँ जाऊँगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हाथ में ले लेता हूँ अभी पिस्तौल। तो गाइस मेरे को स्नैपर एप्पल के लिए भाई बहुत सारी चीज़ें फेंकनी पड़ी, मतलब तीन दवाइयाँ फेंक। ओ अबे अब समझ में आ गया मेरे को स्नैपर एप्पल क्यों ज़रूरत थी यहाँ पर, क्योंकि ये उड़ते हुए गिद्धों को मारना है ना। ये देखो भाई साहब, अबे तेरी एक मिनट, ये नीचे भी गए थे। अबे तेरी एक मिनट अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, अंदर भाई ये तो नोच के खाएंगे मुझे। स्नाइपर राइफल एक मिनट निकाल के देखो और देखते हैं भाई ना कैसे मारता हूँ। एक मिनट मेरे पास एमओ कितने स्नाइपर राइफल की, छः दस एमओ है ठीक है। अब भाई इन गिद्धों को भाई निशाने पे मारना है। ओ भाई मैं मार भी पाऊँगा या नहीं मार पाऊँगा, मारूँगा कैसे, मार। एक तो ये उड़ रहे हैं, तो मेरे को भाई अपनी पबजी वाली स्किल दिखानी पड़ेगी जिसमें बिल्कुल नूब था। एक मिनट तो ये देखो वो तो भाग गया ऐसे, बस निशान लगाते भाग गया वो, वही आ रहा है निशाने पे। वो बैठ गया, वो पक्का मर गया। ओ भाई साहब आओ बैठ आओ, ये भी गया, आ जाओ और किसी में दम है तो आओ, चार ही है ना यहाँ पे, आ जाओ बेटा तू भी आ। दो का तो मैंने हेडशॉट दिया, गए क्या, वो आ गया आ जा। अब इनमें दम नहीं रही, अब ये डर गए, गुस्से में लग रहा है। तो मेरे को भाई हाथ में पिस्तौल रखनी चाहिए। चलो भाई मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। देखो एक सामने भी है, देखो बोरा, ओ आ जाओ भाई। वो ये देखो मर गया, दो गोलियाँ मर रहे हैं ठीक है। भाई मैंने बहुत अच्छा किया अपनी पिस्तौल वगैरह को हाईटा करवा के, कितनी जल्दी मर रहे हैं बंदे यहाँ पर, सबसे बड़ी बात तो ये है। यहाँ पर बहुत सारे हैं ऐसे गिद्ध, आओ भाई ये देखो यहाँ पर गेट वगैरह काफ़ी है। एक मिनट, भाई कितना बड़ा कैसल है यार, ये देखो खुलता जा रहा है कितना ज़्यादा सर्च करने के लिए यहाँ पर, नहीं मज़ा आएगा भाई सर्च करते करते। ये देखो यहाँ पर लिफ्ट, ओह ये वही वाली लिफ्ट, ओके ये लिफ्ट मुझे नीचे ले जाएगी, ये समझ में आ गया मुझे मैटर यहाँ का। चलो इस लिफ्ट को हम यूज करेंगे अभी थोड़ा, पहले यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। और ली जितने भी मैंने सारे ली रख लो अपने पास, क्योंकि ली की जरूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पे भाई कोई है क्या, कोई नहीं है। ओ भाई कैसी जीव है तेरी, मर गया। ये देखो अबे क्या कर रहा है फड़फड़ाते परिंदे, ये देखो जीव देखो भाई 900 ली, भाई साहब जितने भी सब आ जाओ, 900 ली तो बहुत अच्छी ली है, मुझे चाहिए सारी ली। ओ सीढ़ी, भाई ऊपर जाऊंगा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, मैं पूरा सर्च करूंगा ऐसे। एक मिनट यहाँ पे मेरे पास स्नाइपर राइफल भी है, तो भाई आराम से बैठ गए। ओ भाई साहब सबसे ज़्यादा मन हो रहा है मेरा कि भाई ये सारा मैं एक्सप्लोर करूंगा। चलो गाइस देखो सारा एक्सप्लोर करके चलते हैं यहाँ से, अभी मैं एस्केप नहीं होने वाला क्या सर से ठीक है।
देखते हैं भाई क्या क्या नई नई चीज़ें यहाँ पे। आ जाओ सीढ़ियों पे चलते हैं। और पिस्तौल है ना मेरे हाथ में, शॉर्ट गन की जरूरत नहीं है। इधर वो देख के आता हूँ, मेरा क्या चक्कर चल रहा है। इधर कोई चक्कर नहीं चल रहा। ओ चलिए अरे यार तो पागल है क्या। एक मिनट आ जा, कहाँ है। ओ भाई ओ यार ये लैग कर रहा है, लैग पता नहीं क्यों हो जाता है चालू। दो लास्ट वाली गोली पे ये लैग होता है, मतलब जिस गोली पे बंदा मर जाता है उसी पे लैग होगा। ये पड़ी भाई साहब। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, जा तेरे लिए मैं एकदम। आ जा आ जा आ जा, जा। जी मार दूंगा दे। अबे भाई ओ भाई क्या मिस हो जाती है। आ जा भाई आ जा, चल ये भी गया अपने। ओ बोरा इसे स्नैपर राइफल से मारूँ क्या, कितना मजा आएगा। एक मिनट स्नैपर राइफल निकालो भाई, ये खरीदी क्यों मैंने, इतना आइटम फेंका अपनी, चार दवाइयाँ फेंकी इसे स्नैपर राइफल की वजह से। रहने दो, चलो बस हो गया भाई, हो गया हो गया। मैं बहुत ज़्यादा तगड़ा निशानेबाज हूँ, इतने ज़्यादा निशानेबाजी नहीं कर सकता मैं। यहाँ से मैं ऊपर जाने वाला था, ये सीढ़ियाँ थी क्या। अबे ये सीढ़ियाँ नहीं थी, मैंने सीढ़ियाँ समझ रहा था। अबे चलो वो 900 ले लो, लीम बत छोड़ो बिल्कुल। वो देखो वो बैठा है, आ गया आ गया। आ जा आ जा, चलिए तो गया। तू भी आ रहा है क्या, तुझे भी गर्मी चढ़ रही हो तो आ जा। जीप लप लप जीप लप लप आ रहा है, मेंटोस आ गया है। अबे आ जा क्या, ऊपर से हगेगा मेरे ऊपर। आ जा ओ भाई, इसे यही लास्ट रह गया है। चलो ये भी गया, ये भी ये लास्ट रह गया था बंदा, ये भी टपक गया। ली फेंक जल्दी ली, गुड। ओह रस्ट स्क्रैप गुड, बंदूक बनाने काम आएगा। ये मैं कहाँ भटक रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद मैं सिर्फ इन यहाँ पर जो भी गिद्दे से उड़ रहे थे इन्हीं को मारने आया हूँ। देखना पड़ेगा मुझे मैप में। हाँ मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई जो भी गिद्दे से इन्हीं को मारने आया हूँ मैं तो। चलो ठीक है, इन्हीं को मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। सीढ़ियाँ, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हमें कहाँ ले जाएंगी। आवाज़ तो देखो भाई, आवाज़ कैसी हो जाती है गेम की यार। तो कुछ नहीं हो रहा होगा तब भी डराने वाली आवाज़ तो ज़रूर करनी है लोगों को। यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ तो है। ये देखो धूप सी क्या आ रही है एक। वैसे मैंने सब बंदे मार दिए यहाँ पे, तो दिक्कत नहीं होगी मेरे को हिसाब से। हैंडगन एमो ये ले लो भाई, सारे हैंडगन एमो ले लो। तो यहाँ पे ओके, ये क्या है, रस्टेड स्क्रैप है ये, पता नहीं हवा में रखा हुआ था, बताओ हवा में रखा हुआ था ये। तो यहाँ से मेरे को नीचे जाना है ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही था इसका मतलब। तो मैं गाइस यहीं से जाने वाला हूँ। चलो भाई ग्रैब ऑन, अब देखते हैं कहाँ जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे आ गया मैं, वो यही टूट गया। ओ भाई साहब बच गया रास्ते में, नहीं टूटा। ओके ये मिल गया मेरे को तीसरा मास्क, मास्क ऑफ रेज। तो अब मेरे को बस चौथा मास्क मिल ढूंढना है, और मुझे पता है वो कहाँ है चौथा मास्क। और ये वाली सीढ़ियाँ मुझे कैसे जाऊँगा मैं, सीढ़ियों से, इन वाली सीढ़ियों से नीचे चलते हैं। चल भाई आ गया मैं नीचे। ओके गाइस, तो भाई इस वाली लिफ्ट से मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, फिर मैं पता है मेरे को, फिर हम लोग वहीं पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से हम लोग कैसल के अंदर एंटर हुए थे शायद, मेरे को ऐसे लग रहा है। तो अभी इसको बंद करके देखते हैं भाई लिफ्ट मुझे कहाँ पहुँचाने वाली है। वैसे मेरे को पूरा यकीन है कि मुझे एकदम एंट्रेंस पर पहुंचाएगी, यहाँ से हम लोग कैसल के अंदर घुसे थे। ये रुक गई, बस वो लेडी ना मिल जाए मुझे कहीं रास्ते में, लिफ्ट में मेरे ही इंतजार कर रही हो बाहर खड़ी हुई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरावना मूवमेंट हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, वेरी गुड। तो ये देखो गाइस, एक मिनट, ये आवाज़ कैसी हो रही है, लिफ्ट शायद ऊपर गई है। ओके तो मैंने कहा था ना कि मेरे को बिल्कुल एंट्रेंस पर छोड़ेगी, ये कैसल की एंट्रेंस है, यहाँ से आया था। अब यहाँ से मेरे को तीन मास्क मिल गए हैं, चौथा मास्क मेरे को पता है कहाँ है। तो गाइस देखो मैं सोच रहा हूँ कि इस वाली वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस वजह से आज वाली वीडियो में इतना ही। अगर ये वाली वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट जरूर करना। तो आज वाली वीडियो में इतना ही, बाय बाय।